हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप इन चार वे से अपने ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे कि आपको लाइफ में कभी भी परेशान ना होना पड़े और आप जैसे लाइफ चाहते हो आप वैसा ही लाइफ अपने लिए क्रिएट कर पाओ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर वन पर है, हम मल्टीपल चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं एंड एट द एंड हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, तो प्लीज आप मल्टीपल चीजें ना करिए। वॉरेन बफेट साहब का एक 25/5 रूल है जिसके हिसाब से ही मैं काम करता हूँ एंड ये लाइन ने मुझे काफी हेल्प किया है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों में। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, रूल नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ 25 थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। आप वो 25 आइटम की लिस्ट बनाइए जो आपकी जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रखती है एंड आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं। रूल नंबर 2, नाउ डू द टॉप 5, मतलब जो भी लिस्ट आपने बनाई है उन चीजों में से टॉप 5 वर्क है उनको आप हाईलाइट कर लीजिए एंड अलग से लिख लीजिए। नाउ अब एक साथ देखते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 25 थिंग्स यू वांट इन लाइफ, नाउ डू द टॉप 5 एंड नेवर ever think about the other 20 again, else they will take time away from the 5 that are most important. So आप उन 25 में सिर्फ और सिर्फ आप उन 5 पर ही focus करिए और बाकी के 20 को भूल जाइए, नहीं तो वो बाकी की चीजें आपको ये top 5 चीजें करने नहीं देगी। तो चलिए अब हम लोग हमारे point number 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन चीजों को हम value करते हैं पूरा दिन हमारे दिमाग में वही चलती रहती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर overthinking करते हो तो इसका मतलब है आपने ऐसी चीजों को बहुत value दे रखा है जिनको आपको वैल्यू नहीं देना चाहिए और ये बात हमें बहुत लेट समझ आती है। जितनी कम चीजों को आप वैल्यू दोगे उतनी कम चीजों से आपको फर्क पड़ेगा। जैसे ही आप चीजों की रियलिटी जानकर उसको आप अनइम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर देते हो वो आपके माइंड से ड्रॉप हो जाती है एंड आपका मन हल्का हो जाता है। नाउ हमारा पॉइंट नंबर 3 है, कुछ लोग जिनको पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सब कुछ बंद कर देते हैं और बस बैठ कर सोचने लगते हैं कि क्या करना है, जिससे वो और गहरे ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर आप ओवरथिंकिंग करके नहीं निकल सकते, आपको एक्शन लेना जरूरी है, इसीलिए खाली मत बैठो। अगर आप अपने ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन देकर काम नहीं करवाते हो तो उस खालीपन को भरने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेगा एंड आप इस ओवरथिंकिंग के लूप में हमेशा फंसे रहोगे और कुछ भी आप प्रोडक्टिव चीज नहीं कर पाओगे जो कि एक्चुअल आपके लाइफ में वैल्यू रख। नाउ हम आगे बढ़ते हैं एंड हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं। कई लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो अपना काम करते करते ओवरथिंकिंग में कब चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे लोग एक्सटर्नल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे काउंटडाउन टाइमर मेथड। इसमें आप काम करते टाइम अपने सामने एक टाइमर चला दो जिससे आपके ऊपर उस काम को जल्दी खत्म करने का प्रेशर बना रहे और ऊपर से जब आप ओवरथिंकिंग में फंस जाओ तो वो टाइमर देखते ही आपका थॉट ब्रेक हो जाए और आप वापस अपने काम पर लग जाओ। देखिए ये जो टाइमर है इसके लिए आपको कोई घड़ी खरीदने की या कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में आप अपने क्लॉक के सेक्शन में जाइएगा एंड वहां पे आपको स्टॉपवॉच भी मिलेगा एंड काउंटडाउन टाइमर भी मिलेगा, आप वो टाइमर यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल मेथड है एंड मैं ये मेथड को यूज करता हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एंड ये मेथड आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू सीखे होंगे जो कि आपके लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा फॉर श्योर। कमेंट में वो पॉइंट जरूर लिखिएगा जो पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो एंड कुछ और सजेशन भी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।